अच्छी अवस्था में आ गए। कर्क में ही गुरु उच्च के होते हैं, उससे चौथा भाव क्या है, माँ का स्थान है, अर्थात माँ के पास जाने पर ही गुरु उच्च के होते हैं। तो या तो आपके कुंडली में गुरु और चंद्रमा का योग बन रहा हो, युति बन रही हो, या तो आपके कुंडली के अंतर्गत गुरु और गुरु चतुर्थ भाव में बैठे हों, या दृष्टि संबंध गुरु और चंद्रमा का हो, तो एक धनयोग को बनाता है पराशरी के अंतर्गत और लाल किताब के अंतर्गत भी। यह एक अच्छे योग को माना जाता है बृहस्पति चौथे में होना। यदि आप लोगों को स्मरण हो किस्मत का ग्रह, तो बृहस्पति यदि चौथे में बैठ जाए तो लाल किताब इसे किस्मत का ग्रह कहता है, क्योंकि यहाँ उच्च के बृहस्पति हैं तो यह किस्मत के ग्रह कहलाएंगे। बृहस्पति यदि यहाँ शुभ अवस्था में हो तो व्यक्ति जमीन जायदाद का मालिक होता है। चंद्रमा को लक्ष्मी भी कहा गया है शास्त्रों में। हिरण्यवर्णम हरणिम सुवर्ण तस्याम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदोमा आवह। चंद्रमा लक्ष्मी भी है। गुरु चौथे में जाने से लाल किताब के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति के पाव को पकड़ी रहती है लक्ष्मी, अर्थात ऐसे व्यक्ति के पास निरंतर लक्ष्मी रहती ही है। धन की कोई कमी ऐसे जातक के पास नहीं होती है। जातक को अपने दाम्पत्य जीवन का भी सुख प्राप्त होता है, संतान का भी सुख प्राप्त होता है, माता पिता का भी सुख प्राप्त होता है। यदि हम कहें एक शब्दों में, तो ऐसा जातक अपने जीवन में संपूर्ण सुखी होता है। क्यों? पराशरी से भी देखें तो चौथा भाव सुख है, जिसे हम सहज भाव कहते हैं। जब सहज में गुरु आ गए, गुरु सौम्य ग्रह है, नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट है गुरु। जब गुरु यहाँ आएंगे तो यह अच्छी अवस्था में आपको लेकर चले आएंगे, ना कि यह आपको बुरी अवस्था में लेकर जाएंगे। यदि गुरु चौथे में बैठे हों, उसके साथ में सूर्य और मंगल की भी आपके कुंडली में अच्छी अवस्था हो, अर्थात मंगल आपकी कुंडली में बदना हो और सूर्य अच्छी अवस्था में। सूर्य अच्छी अवस्था में कब होगा? जब सूर्य अपने शत्रु ग्रह के साथ ना हो, या कोई सूर्य का शत्रु ग्रह प्रथम अर्थात लग्न में ना बैठा हो, क्योंकि लग्न में कोई सूर्य का शत्रु ग्रह बैठेगा तो वहां सूर्य खराब हो जाएगा। तो इस स्थिति में जातक के जो पिता हैं वो न्यायाधीश होते हैं। जातक के पिता न्यायाधीश, अर्थात आज के शब्दों में हम कहें तो जज होते हैं, या उनके तौर तरीके, जो काम करने के तरीके उनके होंगे वो जस्ट जजमेंट का होगा, अर्थात तुरंत वो जजमेंट देते होंगे किसी भी चीज पे, या इसने अच्छा नहीं किया, इसने अच्छा किया। लेकिन कब? जब कुंडली में सूर्य और मंगल भी अच्छी अवस्था में होंगे। लाल किताब दृष्टि में भी आपने समझा होगा कि जब बृहस्पति चौथे में बैठे हों तो सामने दृष्टि जाएगी दशम पे, ठीक है? दशम में यदि इनके शत्रु बैठ जाएं, जैसे दशम में इनके शत्रु शत्रु में जैसे बैठ जाएं, यहाँ पे शनि आ जाए, बुध आ जाए, तो शनि बुध के आने के कारण बृहस्पति के फल काफी कम मिलते हैं। यदि दशम में शनि और बुध आ जाए, बृहस्पति चौथे में बैठा हो, तो जातक को बृहस्पति के फल में काफी कमी होती है। इसे कुल के नाश का बहाना लाल किताब कहता है, अर्थात यदि आपके वर्षफल कुंडली में या आपके जन्म कुंडली में, आपके चतुर्थ भाव में गुरु बैठा हो और दशम में वर्षफल में या लग्न कुंडली में
लाल किताब कुंडली में दशम में बुध आ जाए तो ऐसा व्यक्ति को कुल के नाश का बहाना बताया गया, अर्थात इस व्यक्ति के जन्म के उपरांत कुल में अनिष्ट घटनाएं घटती हैं। वह घटनाएं जो उस घर के लिए अच्छी नहीं हो, जैसे प्रोस्पेरिटी खत्म हो जाना, इतनी प्रोस्पेरिटी खत्म हो जाना, इतना धन का कमी हो जाना कि घर में जो सोना रखा है, जो घर की जमीन है, उसे भी हमें बंधक देना पड़े या फिर बेचना पड़े, यहां तक स्थिति व्यक्ति की आ जाती है। बृहस्पति चतुर्थ शनि और बुध यदि दशम में बैठे हैं, लेकिन यदि व्यक्ति शनि संबंधित या बुध संबंधित काम कर रहा हो तो उसके जीवन में ऐसी समस्याएं नहीं आएंगे। यदि यही स्थिति अर्थात वर्षफल कुंडली के अंतर्गत गुरु चौथे में, दसवें में बुध शनि या अकेले शनि या अकेले बुध आ जाए, 23वें, 34वें, 48वें, 56वें, 23, 34, 48, 55, इन सालों में वर्षफल कुंडली में गुरु के ठीक सामने दशम भाव में शनि या बुध आ जाएं, तो इस स्थिति में जातक के माता पे विशेष प्रभाव पड़ता है, विशेष अशुभ प्रभाव पड़ता है। यदि इसे पराशरी से या किसी भी साइंस से समझिए, केपी से भी आप लेके जाइए, तो आपको पुनः वही चीजें मिलेंगी कि जब बुध या शनि सामने आ जाएंगे दशम में तो उसका इफेक्ट सीधा चतुर्थ में बैठे माँ पे जाएगा। इस कारण यहाँ ऐसी स्थितियां बनते हुए दिख रही हैं। यदि यहाँ राहु आ जाते हैं तो व्यक्ति के सम्मान का खतरा होता है। यहाँ अर्थात दशम भाव में राहु आ जाते हैं तो व्यक्ति को सम्मान का भी खतरा होता है, लालचन भी लगते हैं। और यदि राहु दशम में बैठा हो और अशुभ अवस्था में हो, अर्थात उस पे किसी और पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा हो, तो ऐसी अवस्था में चंद्रमा की कारक कौन है? माँ है, आपकी भावना है, इन सब से संबंधित अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। अर्थात माता को कष्ट होता है या आप इमोशनली आप स्वयं हर्ट हो जाएंगे, ऐसी समस्या आपके जीवन में देखने को मिलती है। चौथे में बृहस्पति बैठे हो और केतु यदि 8वें या 6ठे में चले जाएं, तो जातक को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जातक मुसीबतों का सामना करता है, या ऐसी स्थिति आ जाती है कि जातक अपनी मुसीबतों का सामना ना करके भाग जाता है। यह वर्षफल के लिए है। और आप लोग पहले से जानते भी हैं कि केतु यदि 3रे या 6ठे में चला जाए तो लाल किताब कहता है कि उस व्यक्ति के जीवन में जब केतु की दशा आएगी तो अत्यधिक कष्ट आएंगे, लेकिन विषोत्तरी दशा नहीं, वह दशा जो लाल किताब के अंतर्गत केतु की दशा आएगी। चौथे में बृहस्पति बैठे हो, दूसरे में चंद्रमा चले जाए, कुंडली में शनि और राहु अच्छी अवस्था में हो, अर्थात शुभ फल देने वाले हों, तो इस स्थिति में जातक एक बड़े ओहदे पे अर्थात एक बड़ा सम्मानित पोस्ट पे होता है, जैसे डीएम है, कलेक्टर है, ऐसे एक बड़े पोस्ट पे होता है, या फिर उसे बड़े पोस्ट पे ना होकर भी उसे उस पोस्ट के तरीके से सम्मान मिलते हैं, अर्थात अपने आसपास के लोगों में, आसपास के इलाकों में वह व्यक्ति सम्मानित होता है। बृहस्पति चौथे में आए, चंद्रमा दूसरे में चले गए,
दोनों के दोनों किस्मत के ग्रह हो गए व्यक्ति के, लाल किताब के अंतर्गत चंद्रमा दूसरे में उच्च के हो गए, बृहस्पति चौथे में उच्च के हो गए, तो इस स्थिति में दोनों अच्छी अवस्था में हो गए। जातक की सेहत पे इसका थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, जातक की जो सेहत है उसमें थोड़ी समस्या देखने को मिलती है। चौथे में बृहस्पति बैठे हों, यदि दसवां घर खाली हो तो ऐसा जातक अपने आप को जितना ज्यादा हो सके ढक के रखे वो उसके लिए अच्छा है। अर्थात घर में भी बैठा हो तो अपने आप को ढक के रखे, नंगा बदन ना रहे उसके लिए श्रेयस्कर होगा। यदि वो नंगा बदन रहता है या फिर अपने आप को ढक के नहीं रखता है तो उसे धन की हानि होती है, धन की उसे हानि होती है, क्योंकि गुरु का चेला कौन है? केतु है। तो यदि व्यक्ति नंगा बदन रहेगा तो केतु अशुभ हो जाएगा, जब केतु अशुभ हो जाएगा तो धन की हानि होगी और धन की हानि के साथ साथ आपके संतान को भी समस्या होगी, क्योंकि केतु मंदा तो औलाद मंदी, केतु मंदा तो औलाद मंदी, तो धन के साथ साथ संतान की भी समस्या देखने को मिलेगी। चौथे में बृहस्पति बैठे हों और वो अच्छी अवस्था में हो, अर्थात उसके ऊपर किसी भी प्रकार किसी ग्रह का प्रभाव ना आ रहा हो, अशुभ ग्रह का प्रभाव ना आ रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति लॉटरी से भी धन को अर्जित करता है। अचानक उसे धन की प्राप्ति होती है। अब अचानक धन की प्राप्ति आप रिलेट कर रहे होंगे, लाल किताब दृष्टियों को नहीं लेता है, ग्रहों की दृष्टियों को लाल किताब नहीं लेता है, लेकिन पराशरी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो चौथे भाव में बैठे हुए ग्रह की पांचवी दृष्टि अर्थात गुरु की पांचवी दृष्टि कहाँ जाएगी? आठवें पे जाएगी। आठवां क्या है? अचानक धन को देता है और दूसरे से धन का को प्राप्त होना या दबा हुआ धन प्राप्त होना। चौथे में बृहस्पति अच्छी अवस्था में हो तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। कब? जब गुरु की दशा आएगी तब। ऐसे व्यक्ति को बुजुर्गों से, साधु संतों से आशीर्वाद लेना चाहिए और बुद्ध संबंधित जो चीजें हैं उससे व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, अर्थात बुद्ध क्या है? हरा कपड़ा है, बुद्ध कुमारी लड़की है, बुद्ध बकरी है, इन सब से व्यक्ति को दूर रहना श्रेयस्कर होता है। बृहस्पति चार के समय यदि शनि घर नंबर दो में हो तो व्यक्ति चालाक होता है और अच्छे भाग्य वाला होता है। बृहस्पति चार के समय शनि यदि खाना नंबर दो में हो तो व्यक्ति चालाक होता है, अच्छे भाग्य वाला होता है। बृहस्पति चार के समय यदि सूर्य लग्न अर्थात एक खाना नंबर एक में हो तो बृहस्पति और सूर्य दोनों श्रेष्ठ फल देते हैं, अर्थात व्यक्ति तेजस्वी होता है, सरकारी नौकरी उसे प्राप्त होती है, सरकार से उसे लाभ होता है, व्यक्ति अपने समाज में सम्मानित होता है, धन की उसे प्राप्ति होती है, ये सारी चीजें व्यक्ति को मिलती हैं। बृहस्पति चार के समय शनि यदि खाना नंबर नौ में हो तो ऐसे व्यक्ति को तारनहार कहा गया है, सबको तारने वाला, या व्यक्ति खुद जैसा भी हो लेकिन इसका हाथ जिसने पकड़ लिया उसके लिए तारनहार है, उसको ये तार देगा, वह व्यक्ति तर जाएगा इससे, उस व्यक्ति का कोई काम नहीं बन रहा हो, बन जाएगा। जब बृहस्पति चार में और शनि नौ में गए हूं, तारनहार कहते हैं लाल किताब में इसे। बृहस्पति चार और चंद्रमा दो में हो तो
ऐसे व्यक्ति का जो रुतबा रुतबा है वो पिता से बढ़कर होता है। पिता से ज्यादा रुतबा ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है, पिता से ज्यादा मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है, पिता से 4 गुना बेहतर व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में करता है जब कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा दोनों उच्च के हों, बृहस्पति चौथे में और चंद्रमा दूसरे में। बृहस्पति चौथे के समय सूर्य खाना नंबर 10 में हो तो व्यक्ति को सरकार से लाभ होता है, और व्यक्ति यदि टेंडर का काम करे, सरकारी नौकरी करे, उससे लाभ होता है। राजनीति से ऐसे व्यक्ति को लाभ होता है और अच्छी लाभ उसे प्राप्त होती है। अब हम बात कर लेते हैं चौथे घर में बृहस्पति के साथ सूर्य चंद्र मंगल इन सभी ग्रह आ रहे हो तो वो क्या रिजल्ट देते हैं। यदि बृहस्पति के साथ सूर्य आ रहे हो चौथे घर में, तो चौथे घर में बृहस्पति और सूर्य की युति शुभ ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो चंद्रमा का भी मित्र है, सूर्य जो है वो चंद्रमा के मित्र हैं, बृहस्पति चंद्रमा के मित्र हैं। वो घर किसका है? चंद्रमा का है। जमीन किसका है? चंद्रमा का है। तो दोनों शुभ स्थिति में होंगे, शुभ फल देंगे। दोनों कार्य क्षेत्र के लिए अर्थात तो व्यक्ति के प्रोफेशन के लिए बहुत बेहतर है। सूर्य और बृहस्पति का दशम में बैठना, चतुर्थ में बैठना व्यक्ति के कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही बेहतर है। ऐसे ही युति वाले व्यक्ति का जीवन एक तरीके से कहा जाए तो शानदार जीवन होता है। प्रोफेशन जो है वो बहुत ही शानदार होता है। यहाँ पे वो चीजें हो जाएंगी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रोफेशन में, खासकर कि अमिताभ बच्चन जी कहते हैं ना, मैं जहां खड़ा होता हूं वहीं से लाइन स्टार्ट हो जाती है। वो चीजें इस व्यक्ति के साथ हो जाएगी। प्रोफेशन में जहां भी होगा नाम कमाएगा, किसी भी क्षेत्र में होगा नाम कमाएगा, खासकर प्रोफेशन में। यदि ऐसा व्यक्ति शनि संबंधित कारोबार कर रहा है तो उसे विशेष लाभ प्राप्त होंगे। बृहस्पति और चंद्रमा, बृहस्पति और चंद्रमा के बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं कि बृहस्पति चंद्रमा की युति या राशि परिवर्तन किसी भी प्रकार से कुंडली में संबंध बन रहा हो तो यह बहुत ही उच्च फल को देता है। पहले तो धन को देता है, धन के बाद दूसरा मन की शांति को देता है, क्योंकि चंद्रमा मन है, बृहस्पति शांत स्वभाव है, साधु है, मन की शांति को देता है। ऐसे व्यक्ति के जन्म के समय जन्म के बाद उस परिवार को अत्याधिक धन की प्राप्ति होती है, और इस योग में आप चार्ट में से कहीं भी गुरु और चंद्रमा को देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और वो 100 से 100% एक्यूरेट बैठेगी कुंडली पे। बिल्कुल सही, गुरु चंद्रमा का योग धन योग को निश्चित देता है। मन की शांति के लिए भी लाभदायक है, प्रोफेशन के लिए भी यह उचित कार्य करता है। और ऐसा व्यक्ति यदि चंद्रमा संबंधित प्रोफेशन करे तो उसके लिए और अच्छा होगा। बृहस्पति और शुक्र, बृहस्पति और शुक्र चौथे में बैठे हो तो नेक फलदायक मानी गई है, नेक फलदायक मानी गई है। ऐसे व्यक्ति के लिए एक प्रिकॉशन है, अर्थात ऐसा व्यक्ति यदि एक से छोड़ अनेक स्त्रियों से संबंध रखता है तो ये दो जो दो ग्रह हैं जो किसी भी प्रकार से अच्छी अवस्था में धन को देने वाले हैं, सुख को देने वाले हैं, धन वैभव को देने वाले हैं, वह सभी
अपने अच्छे फल नहीं देंगे जब यह व्यक्ति शुक्र को अच्छे से यूज नहीं करेगा, अर्थात शुक्र को यह खुद डिएक्टिव कर देगा, क्योंकि अनेक संबंध स्त्रियों से बनाना, शुक्र एक्टिव नहीं रहेंगे, दोनों ग्रह नष्ट हो जाएंगे और दोनों ग्रह के नष्ट होने के कारण यह अच्छी अवस्था में नहीं रहेगी। यदि इस युति पे राहु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में संतान प्राप्ति के समय ऐसे व्यक्ति की स्त्री को अत्याधिक कष्ट होता है, या अत्याधिक कष्ट होता है, या मृत्यु की भी संभावना होती है। तो थोड़ा इस वक्त बृहस्पति और मंगल, चौथे घर में जब बृहस्पति और मंगल की युति हो तो घर में पुरुष वर्ग ज्यादा होते हैं, अर्थात पुरुष जो हैं घर में वो ज्यादा मात्रा में होते हैं, पुरुषों की गिनती में कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन उनके गुजारे के लिए अर्थात उनके सर्वाइव करने के लिए धन नहीं होता। पर्याप्त धन जो होना चाहिए उनके सर्वाइव करने के लिए, वह धन उनके पास नहीं होता है। यदि अच्छे और बुरे में इसे कंसीडर किया जाए कि यह जो युति है वो अच्छा फल देगी या बुरा फल देगी, तो यह आमतौर पर अच्छा फल देने वाली बताई गई है, लेकिन उतना बेहतर फल जितना बेहतर आपको गुरु शुक्र दे सकता है, गुरु चंद्रमा दे सकता है, गुरु सूर्य दे सकता है, उतना बेहतर यह फल आपको नहीं देगा। लेकिन यह मंगल संबंधित कार्य यदि आप करते हैं तो यह युति आपके लिए बहुत श्रेष्ठ काम करेगी, क्योंकि मंगल को लेंगे तो आपका भाग्य उसके साथ काम करेगा, क्योंकि गुरु साथ में बैठा है, गुरु एक्टिव अवस्था में होगा, तो यह अच्छा फल देने वाला। बृहस्पति और बुध, जब चौथे घर में बृहस्पति के साथ बुध बैठे हों तो यह राजयोग के समान फल को देता है। राजयोग के समान एक तरी एक स्थान पे हम बता रहे हैं कि भाई बुध दशम में बैठ जाए तो व्यक्ति को हानि हो जाएगी, दूसरे स्थान पे हम यह कह रहे हैं कि भाई यह जो युति है वो अच्छा फल देने वाली है। कब यह अच्छा फल देगी? जब व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत बुध संबंधित कार्य को करेगा और इस कुंडली में गुरु और बुध के युति के ऊपर किसी भी पाप ग्रहों की दृष्टियां नहीं होगी या फिर कोई नीच ग्रह की दृष्टि नहीं होगी तो यह फलित होगा, अन्यथा इंसान के हौसले में कमी आ जाएगी, इंसान अपने आप को कमजोर समझना प्रारंभ कर देगा और बहुत हद तक अपने आप को ही कष्ट पहुंचाएगा अपनी ही बुद्धि के कारण। तो बुध संबंधित कार्य यहाँ पे व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ होता है। बृहस्पति और शनि, बृहस्पति और शनि यदि जो आपके जन्म कुंडली में हो तो इस अवस्था में व्यक्ति को बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त होती है। शनि को लाल किताब में सांप कहा गया है, तो सांप व्यक्ति के नैया को पार लगाता है, क्योंकि भाग्य के साथ कौन बैठा है? सांप बैठा है। यदि इसी युति में बृहस्पति शनि के साथ शुक्र आ जाए तो व्यक्ति के पास
दिखावे का धन होता है, अर्थात धन से वह व्यक्ति दिखावा करता है स्वयं से। और यहां जो मैंने कहा कि सांप ही नैया पार लगाता है, तो शनि संबंधित आप कार्य करें तो आपकी नैया पार हो जाएगी, क्योंकि सांप के पास मणि भी है और सांप है जो दसता भी है। सांप दसने को हर पल तैयार है, दसेगा, लेकिन सांप मणि हर बार नहीं निकाल के देता। उस मणि को आपको परिश्रम से निकालना होता है। वो मणि कैसे निकलता है? जब हम सांप को बहुत अच्छे से रखते हैं और उसकी स्वयं की जब इच्छा होती है तो मणि हमें मिलती है। तो इसके अंतर्गत शनि संबंधित व्यक्ति कार्य करता है तो यह युति अच्छा फल देने वाली होती है। अन्यथा यदि इस पे किसी बुरे ग्रह का प्रभाव, पाप ग्रह का प्रभाव हो, तो व्यक्ति का कोई अंग बर्बाद हो जाता है, शरीर का कोई अंग जो है वो कट जाता है। बृहस्पति और राहु, चौथे घर में बृहस्पति और राहु की युति यह बहुत ही अच्छी है और उत्तम चंद्रमा का फल देने वाली है। अर्थात जैसे चंद्रमा एक अच्छी अवस्था में फल देता है, वैसे ही जैसे माता के लिए, मन के लिए यह शुभ फलदायी होगा। मन के शांति के लिए शुभ, माता के लिए शुभ, लेकिन पिता के लिए और बृहस्पति संबंधित चीजों के लिए यह अशुभ माना जाता है। बृहस्पति संबंधित चीजों के लिए यह अशुभ माना जाता है। बृहस्पति और केतु, बृहस्पति और केतु, बृहस्पति यहां तो उच्च के हो जाते हैं लेकिन केतु यहां मंदा हो जाता है, अर्थात केतु यहां पे अच्छे फल देने के को तैयार नहीं होता। यदि केतु यहां गुरु के साथ हैं तो औलाद से व्यक्ति को सहायता प्राप्त होती है, जो संतान है वो अच्छा होता है। लेकिन यदि केतु यहां खराब स्थिति में आ जाए तो जातक अपने नर संतान से बहुत ही परेशान होता है। जातक अपने नर संतान से बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। अभी कुछ समय है, बात कर लेते हैं बृहस्पति पांचवें घर में, ठीक है? कोई प्रश्न हो अभी तक में बताइए। पांचवे भाव में बृहस्पति, पांचवा घर जो है वो बृहस्पति की भूमि बताया गया है, अर्थात पांचवा घर का कारक स्वयं बृहस्पति होता है। जमीन सूर्य का है वो, और यह बृहस्पति भी पुत्र से संबंधित है, पांचवा घर भी पुत्र से संबंधित है। बृहस्पति उत्पत्ति का कारक है, पांचवा भाव उत्पत्ति का स्वयं मालिक है या उसका कारक है। इन कारणों के कारण बृहस्पति जब पंचम में हो और व्यक्ति को संतान की प्राप्ति हो, तो संतान के प्राप्ति के बाद या संतान प्राप्ति से संतान के द्वारा व्यक्ति को उन्नति की प्राप्ति होती है, व्यक्ति उन्नति की ओर अग्रसर होता है। जब संतान में पुत्र की प्राप्ति हो या संतान स्वयं उसे उन्नति की ओर ले जाए, यह सूर्य का जमीन है, क्योंकि यहां सिंह राशि पड़ती है। सिंह राशि का स्वामित्व तो कौन है? सूर्य करता है, और सूर्य एक आग का गोला है।
इसलिए जिस व्यक्ति के कुंडली में पांचवें भाव में बृहस्पति है हो उसे आग के वास की संज्ञा दी गई है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही गुस्से वाला होता है। बृहस्पति पांचवे में हो, सूर्य चंद्र और मंगल यदि नौवे भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, विशेषकर जब घर में संतान आए उसके बाद धन की प्राप्ति होती है, या संतान के द्वारा कमाई हुई धन की प्राप्ति होती है। बृहस्पति पांचवे में हो, केतु यदि 11वें में बैठ जाए तो बृहस्पति अशुभ फल को देता है। बृहस्पति पांचवे केतु 11वें में हो और ऐसा जातक यदि धर्म के नाम पर लोगों को ठगना प्रारंभ कर दे या धर्म के नाम पर पैसे को जोड़ना शुरू कर दे, पैसे इकट्ठा करना प्रारंभ कर दे, तो ऐसा व्यक्ति अपनी संतान से बहुत दुखी होता है, क्योंकि वहां पर उसने केतु को भी खराब कर लिया, गुरु को भी खराब कर लिया। गुरुवत केतु, जैसे गुरु वैसे केतु, संतान के लिए वो अच्छी अवस्था नहीं होती है। बृहस्पति पांचवे में हो और राहु मंदा हो, अर्थात राहु पीड़ित अवस्था में हो, राहु अच्छी अवस्था में ना हो जन्म कुंडली में, तो बृहस्पति अशुभ अवस्था में होते हैं और बृहस्पति के अशुभ होने से घर में तंगी हो जाती है, धन की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। आपने स्वयं पढ़ा होगा कि शुक्र धन का कारक है, लेकिन बिना बृहस्पति के धन आपके पास नहीं आ सकता। इसलिए धन के लिए हर जगह लाल किताब में बृहस्पति को ही फोकस किया गया है। बृहस्पति के साथ यदि पांचवें भाव में शूद्र भी हो तो यह बहुत ही अच्छा फल देता है। चंद्रमा यदि चौथे में चले जाए, अर्थात कुंडली में बृहस्पति और शुक्र पांचवे में, चंद्रमा चौथे में चले जाए तो व्यक्ति को सम्मान की भी प्राप्ति होती है, उसे रुतवा भी मिलता है, बच्चे के जन्म के बाद भाग्य का विशेष साथ मिलता है और उसके जीवन में शुभता आना प्रारंभ होती है, अर्थात शुभता उसके जीवन में निरंतर ही आती है संतान के प्राप्ति के बाद। यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अशुभ अवस्था में हो तो संतान में आपको लड़के की प्राप्ति नहीं होगी, या आपने अपने कर्म से भी उसे खराब कर लिया हो तो भी। जातक के मान प्रतिष्ठा में कमी आएगी, निरंतर व्यक्ति को शत्रु से भय रहेगा, अपने शत्रु से निरंतर ऐसे व्यक्ति को भय लगा रहेगा, भयभीत रहेगा और मेंटली डिप्रेस्ड रहेगा, मानसिक परेशानी ऐसे व्यक्ति को रहेगी। जैसे मैं, कारण क्या है इसका? जब पांचवे में बृहस्पति बैठे हों, अब बृहस्पति के साथ यदि केतु हैं पांचवे में, तो 11वें में कौन चल जाएंगे? राहु चल जाएंगे, क्योंकि केतु से ठीक विपरीत राहु बैठते हैं। तो ऐसे समय में बृहस्पति जिन भावों को रूल कर रहा है, जैसे पक्के घर जो बृहस्पति के हैं, दूसरा, पांचवा, नौवा, बारहवा, इन सभी घरों में बृहस्पति के जो शत्रु ग्रह हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, हो, तो इस अवस्था में
बृहस्पति संबंधित चीजों पर व्यक्ति का बहुत बुरा असर पड़ता है। और केतु जो बृहस्पति के साथ बहुत ही अच्छा फल देता है, वह केतु भी खराब अवस्था में चला आएगा। जब एक सभी घर खराब हो जाएंगे, जब राहु 11वें में बैठ जाएगा। दूसरा 9वां, 11वां और 12वां, इन में से किसी भी भाव में यदि शुक्र हो, बुध हो या राहु हो या कोई भी पाप ग्रह, बृहस्पति के कोई सत्व ग्रह बैठे हों, तो बृहस्पति का, केतु का, सूर्य का फल मंदा हो जाएगा। अर्थात बृहस्पति, केतु और सूर्य के अच्छे फल आपके जीवन में प्राप्त नहीं होंगे। तात्पर्य इसका यह है कि यदि बृहस्पति आपके पांचवे में बैठे हों, तो दूसरा, 9वां और 11वां बारहवा, इनमें यदि बृहस्पति के पाप ग्रह हो तो यह बृहस्पति को मंदा कर देंगे, बृहस्पति को अशुभ कर देंगे। पांचवे घर वाले बृहस्पति को, ऐसे जातक को परिश्रमी और ईमानदार कहा जाता है। परिश्रमी भी होता है और ईमानदार भी होता है। यदि दूसरे में, पांचवे में, 9वें में, 11वें में और 12वें में बुध हो, शुक्र हो या राहु हो, तो आपको इनका ही उपाय करना है। सबसे पहले बुध का कीजिए, राहु का कीजिए या शुक्र का उपाय कीजिए। गुरु का उपाय ना करके इनका उपाय करना है। यहां भी यदि आपकी बुद्धि चल रही है तो यहां भी आप पराशरी को कनेक्ट करेंगे। यहां भी पराशरी कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो लठ मार रहा है उसका इलाज करना है, जो लठ खा रहा है उसका नहीं। धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार से कुछ ना लें लोगों से, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। यदि धर्म के नाम पे आप कुछ लेते हैं तो आपके लिए उचित नहीं। ऐसे व्यक्ति को दरवेश कहा जाता है। दरवेश अर्थात कुत्ता। तो धर्म के नाम पे ना मांगे तो अच्छा है आपके लिए। उसके साथ ही ईमानदार बने और परोपकारी अर्थात दूसरों पे उपकार करने वाले बने, वो आपके लिए श्रेष्ठ है। यदि आप दूसरे पे उपकार करने वाले नहीं है, परोपकारी नहीं है, तो पांचवे में आपके गुरु बैठे हों लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। तो परोपकारी बने, धर्म पे लोगों से कुछ ना लें, और यदि दूसरे, पांचवे, 9वें, 11वें और 12वें में कोई ग्रह बैठे हों, बुध, शुक्र या राहु, तो उनका उपाय आप करें, तो बृहस्पति के रिजल्ट मिलेंगे। अब यह इसलिए नहीं है, पिता को समस्या है तो भी आपको इनका उपाय करना होगा, स्वयं को समस्या है तो भी आपको उपाय करना होगा, धन की समस्या है तो भी आपको इनका उपाय करना होगा, भाग्य की समस्या है तो भी, पुत्र को समस्या है तो भी, क्योंकि लाल किताब में पिता का भी कारक है गुरु। अब दो ग्रहों पे बात कर लेते हैं। हमने सूर्य के साथ बात कर ली कि सूर्य और बृहस्पति यदि बैठे हों तो वो क्या फल देंगे। यदि बृहस्पति और चंद्रमा बैठे हों तो पांचवा घर बृहस्पति का है, और यहाँ चंद्रमा आ जाएंगे तो वो भी अच्छी अवस्था में ही है, क्योंकि वो सूर्य के मित्र हैं, तो ये नेक फल देंगे, अच्छे फल देने वाले हैं। यदि इन पे किसी मंदे ग्रह के दृष्टि ना हो, किसी मंदे ग्रह का प्रभाव ना हो, तो ऐसा जातक
व्यापार और अपने कलम की ताकत से धन कमाएगा। ऐसा जातक व्यापार से और अपने कलम की ताकत से धन कमाएगा और इस धन से दूसरों की मदद भी करेगा। बृहस्पति और शुक्र, बृहस्पति और शुक्र यदि पांचवे में हो तो यह युति जातक की शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। यह व्यक्ति अपने शिक्षा के हुनर से धन को कमाता है। ऐसे व्यक्ति के संतान के पास इससे ज्यादा धन होती है, अर्थात औलाद के धन में बरकत होती है। यदि ऐसा व्यक्ति शादीशुदा औरतों से संबंध रखता हो तो धन की हानि होगी या धन की चोरी हो जाएगी। बृहस्पति और मंगल, बृहस्पति के साथ मंगल यदि पांचवें में हो और ऐसा व्यक्ति यदि धर्म के नाम पर किससे भिक्षा ले रहा हो या किससे धर्म की दुहाई देकर कुछ ले रहा हो तो ऐसा व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार दान ना ले, उसके लिए बहुत ही श्रेयस्कर है। यदि व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा हो तो घर में संतान में पुत्र की प्राप्ति के बाद व्यक्ति के पास धन भी आता है और जो कष्ट है जीवन में वह भी दूर हो जाते हैं। बृहस्पति और बुध, पांचवे घर में बृहस्पति और बुध की युति जातक को भाग्यवान बनाती है, खुशहाल बनाती है। लेकिन यह तभी होगा जब घर में लड़के का जन्म होता है, तब, क्योंकि बुध क्या है, कुमार है, राजकुमार है बुध। बृहस्पति और शनि, पांचवे घर में बृहस्पति और शनि की युति जातक को सूर्य के असर को खराब करती है। सूर्य के असर को, अर्थात सूर्य संबंधित, जैसे सूर्य क्या है, पहले के जमाने के कहा जाए तो राज दरबार, आज के लिए कहा जाए तो सरकार, सरकारी नौकरी, तो सरकार संबंधित चीजें, सरकारी नौकरी, ये सारी चीजें व्यक्ति के जीवन में प्राप्त नहीं होती हैं क्योंकि शनि वहां गए हैं, सूर्य की जमीन खराब हो गई, तो वहां सूर्य खराब हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को सरकार से नुकसान, इसके यदि यह कहीं नौकरी कर रहा हो और इसके कोई बॉस हो तो बॉस से दुश्मनी का डर। लेकिन अंत में फैसला जो है वो जातक के हक में ही होगा। यदि ऐसा व्यक्ति चालाकी करता हो, मांस मदिरा मांस खाता हो, मछली खाता हो, शराब पीता हो या कोई बुरी आदतों वाला हो तो बृहस्पति का फल खराब हो जाता है, क्योंकि वहां पे क्या किया आपने, शनि को एक्टिव कर दिया। बुरी अवस्था में अगर एक्टिव कर दिया आपने, वहां अच्छी अवस्था नहीं रहेगी। बृहस्पति और राहु, पांचवे घर में बृहस्पति और राहु की युति संतान पक्ष के लिए अशुभ होता है। यह युति राजनीति के लिए या किसी दल के सरदार के लिए, मुखिया के लिए, डीएम के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन संतान पक्ष में इसे अशुभ माना जाता है। बृहस्पति और केतु, पांचवे घर में बृहस्पति और केतु की युति कोई विशेष फलदायक नहीं होती है, अर्थात यह सामान्य आप समझ सकते हैं कि सिर्फ बृहस्पति ही कुंडली में बैठे हों, ऐसी स्थितियां बनती हैं।
तो आज की कक्षा के अंतर्गत हमने समझा बृहस्पति चौथे और पांचवें भाव में बैठते हैं तो उनके क्या फल होंगे। चौथे और पांचवे भाव में बृहस्पति दो ग्रहों एक ग्रहों के साथ बैठे हों तो उनके क्या फल होंगे। आज की कक्षा को लेकर यदि आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप बताएं, अन्यथा फिर त्रासदी को प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, पुनः 5 मिनट में प्रारंभिक कक्षा में मुलाकात करते हैं। राधे राधे।